हिमाचल के प्रिंसिपल्स को भी मैं यहाँ भेजती हूँ कि जाइए आप प्रताप स्कूल में, जाइए वहां देखिए। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि एक स्कूल बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके स्पोर्ट्स के लिए और उनके कल्चर एक्टिविटीज में इतना बढ़ चढ़कर बच्चों के लिए काम कर रहा है कि जो जज्बा खेलों के प्रति हरियाणा में है वो मैंने कहीं नहीं देखा। सफलता के लिए अनुशासन एवं कड़ी मेहनत अनिवार्य। CBSE नॉर्थ जोन सेकंड बॉक्सिंग प्रतियोगिता जो कि 22 से 25 दिसंबर को प्रताप स्कूल खरखौदा में संपन्न हो रही है, इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि ललिता शर्मा क्षेत्रीय अधिकारी भारतीय खेल प्राधिकरण सोनीपत ने CBSE ध्वज फहराकर विधिवत खेल आरंभ करने की घोषणा कर बॉक्सिंग खिलाड़ियों को आशीर्वाद देकर बाउट आरंभ करवाकर किया। इस अवसर पर ललिता शर्मा ने सभी खिलाड़ियों को अनुशासन में रहते हुए कड़ी मेहनत करके अपने विद्यालय प्रदेश एवं देश का गौरव बढ़ाने के लिए उत्साहित किया। प्रताप विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा खेलों एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में प्राप्त उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए कहा कि मैं अपने प्रदेश एवं अन्य देश में जहां पर भी जाती हूं वहां के लोगों को यह जानकारी देती हूं कि प्रताप विद्यालय द्वारा तैयार मॉडल को अपनाना चाहिए, जहां पर सीमित जमीन क्षेत्रफल में 26 प्रकार के खेलों का प्रबंध, जिसमें खिलाड़ियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पदक प्राप्त कर विदेशी धरती पर तिरंगा फहराते हुए राष्ट्रीय धुन बजवाई जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यहां के विद्यार्थियों ने अच्छी सफलता प्राप्त कर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर रहे हैं। मेरे लिए यह गर्व का विषय है कि ऐसा विद्यालय मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्रताप विद्यालय में 5 खेलों बॉक्सिंग जूडो कबड्डी कुश्ती व वुशु का खेलो इंडिया सेंटर खोला गया है। यहां के विद्यार्थी निरंतर खेलों में अच्छी सफलता प्राप्त कर हमारा भी गौरव बढ़ाते रहते हैं। मंच संचालन करते हुए प्राध्यापिका आरती व वर्षा ने विद्यालय की सभी गतिविधियों की जानकारी दी। प्राचार्य प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल दया दहिया एवं द्रोणाचार्य अवॉर्डी ओम प्रकाश दहिया ने बुके भेंट कर ललिता शर्मा का स्वागत किया। वहीं प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य ने स्मृति चिन्ह देकर धन्यवाद किया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता बॉक्सर विनीत दहिया, विनीत के पिता कुलदीप सिंह, भारतीय खेल प्राधिकरण से बाबूराम, CBSE ऑब्जर्वर नरेश चौधरी पंजाब, विभिन्न प्रदेशों एवं विद्यालयों से आए मैनेजर प्रशिक्षक खिलाड़ी एवं उनके माता पिता विद्यालय स्टाफ एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। मैं ललिता शर्मा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साई सोनीपत CBSE नॉर्थ जोन सेकेंड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करती हूँ। जय हिंद जय भारत। CBSE बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ओपनिंग पे बुलाया गया और एक मौका मिला कि दफ्तर से हटकर फाइलों से हटकर आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। मैं भी एक खिलाड़ी रही हूँ, बैडमिंटन की प्लेयर रही हूँ और हम लोगों को हमेशा ही बच्चों के बीच में आने का, बच्चों को एनकरेज करने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने प्रताप स्कूल में मेरी आना जाना रहता है, मैंने सोचा प्रताप स्कूल खेलों में ही अच्छा है, लेकिन आज बच्चों का जो कार्यक्रम देखा, हरियाणवी डांस देखा, छोटे बच्चों का टाइनी टॉट्स का डांस देखा और उसके बाद एक बच्चे ने जिसने सोलो परफॉर्म किया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सर्वांगीण विकास, जिसको बोलते हैं कि आर चिल्ड्रन शुड बी गुड इन स्पोर्ट्स, दे शुड बी गुड इन एकेडमिक्स, their personality, we should work for the overall personality development of our athletes. तो मुझे, मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ प्रिंसिपल साहब को और यहाँ की सारी टीम को, सारी मैनेजमेंट को, जो इतना बढ़िया काम ये कर रहे हैं कि बच्चों को हर तरह का एक्सपोजर दे रहे हैं। ये स्कूल एक कैसा स्कूल है जिसका नाम, मैं जैसे कि मैडम यहाँ कह रही थी कि रोज कोई ना कोई गतिविधि इस स्कूल की न्यूज़पेपर में होती है और मैं रोज पढ़ती हूँ उसको, डेली मैं देखती हूँ कि कुछ ना कुछ, कुछ बच्चे जो हैं यहाँ से, जितने भी एथलीट्स हैं, चाहे वो बॉक्सिंग में है, चाहे रेसलिंग में है और जूडो में है, शूटिंग में है, हर डिसिप्लिन का यहाँ पर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन शुरू किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। विनीत हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पर, तो अभी मुझे पता लगा कि अभी इनकी रेलवेज में जॉब लगी है, रेलवेज का टाइटल भी इन्होंने चैंपियनशिप जीती है और प्रॉमिसिंग हमारे बॉक्सर हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि एक स्कूल
बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके स्पोर्ट्स के लिए और उनके कल्चर एक्टिविटीज में इतना बढ़ चढ़कर बच्चों के लिए काम कर रहा है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ प्रिंसिपल साहब, जो भी यहाँ आपकी मैनेजमेंट है, जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। जहाँ तक बच्चों के खेल से का संदर्भ है, मैं ये देखती हूँ कि अगर बच्चों की एनर्जी, मैं जिन भी प्रिंसिपल से मिलती हूँ, जहाँ भी स्कूल में बात करती हूँ, क्योंकि बच्चे एनर्जेटिक हैं, इनकी एनर्जी हमें कहीं ना कहीं जो है वो यूटिलाइज करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि खेल एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से बच्चा अपने आप को एक्टिव रख सकता है, फिट रख सकता है, और उसका दिमाग जो है वो बहुत तीव्र होता है। और जितने भी हम लोग हैं, खिलाड़ी हैं, आपने देखा पहले लोगों को लगता था कि खिलाड़ी खेलों में जाएंगे तो बच्चा अच्छा नहीं कर पाएगा, पर मैं आपको ये दावे के साथ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने देखा कि जो बच्चा खेल में अच्छा है वो पढ़ाई में भी अच्छा है और वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छा है। जो अच्छा है वो सब जगह अच्छा होगा, उसका बिहेवियर भी अच्छा होगा, उसका हर काम जो है वो अच्छा होगा। तो जो भी मेरे साथ यहाँ सामने बैठे हैं, मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को कोई ना कोई स्पोर्ट्स, जरूरी नहीं स्पोर्ट्स, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जो है अपने बच्चों को जाने दीजिए। किसी भी चीज में, कोई भी चीज में अगर आप पैशन उसको बना लेते हैं तो रिजल्ट्स आते ही आते हैं। आज आपने देखा कि हमारे बच्चे 65 केजी में, मैं कल देख रही थी कि सुमित लड़के ने गोल्ड मेडल लिया सीनियर चैंपियनशिप में, वो भी हरियाणा का है। मैक्सिमम बच्चे जो हैं हमारे रेसलिंग में हैं, बॉक्सिंग में हैं, सभी गेम्स में हम हरियाणा में अच्छा कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली मैं काफ़ी टाइम से हरियाणा से जुड़ी हूँ, मेरी फर्स्ट पोस्ट, पहली पोस्टिंग भी यहाँ पर थी, और अभी भी मुझे 3.5 ईयर जो है वो हरियाणा में हो गए हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ पे, जब मैं हिमाचल में भी जाती हूँ तो सबको मैं बोलती हूँ कि जो जज्बा खेलों के प्रति हरियाणा में है वो मैंने कहीं नहीं देखा। दिल से जो भी जुड़ते हैं, जो भी काम करते हैं, चाहे पढ़ते हैं चाहे खेलते हैं, वो दिल से करते हैं। और यहाँ आके तो एक ऐसा मैं देखती हूँ कि लैंड इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इस स्कूल में जिस तरह से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया गया है, हर बिल्डिंग पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, ये काबिले तारीफ है। और ये इस स्कूल का एग्जाम्पल में जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, चाहे हरियाणा के स्कूल में जाने का मौका मिलता है, हिमाचल में जाने का मौका मिलता है, हिमाचल के प्रिंसिपल्स को भी मैं यहाँ भेजती हूँ कि जाइए आप प्रताप स्कूल में, जाइए वहां देखिए किस तरह से जमीन, ये हिमाचल में बोलते हैं कि ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे भी जमीन की कमी होने के बावजूद भी कोई ऐसा गेम नहीं है जिसको प्रताप स्कूल जो है वो प्रमोट नहीं कर रहा है। तो जोरदार तालियां एक बार प्रताप स्कूल के लिए होनी चाहिए, इनकी मैनेजमेंट के लिए होनी चाहिए, जिन्होंने बच्चों के बारे में सोचा, कमी होने के बावजूद भी इन्होंने सोचा और यहाँ पे हर गेम को प्रोत्साहित किया। और देखिए कितने नाम, मैं बड़ी देर जब से बैठी हूँ तब से देख रही हूँ कितने बच्चे हैं यहाँ पर, जिनकी आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने पोस्टर्स लगा रखे हैं, यहाँ पोस्टर्स लगा रखे हैं, यहाँ लगा रखे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को सीखने की जरूरत है कि अगर वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर आप में करने की भावना है, इच्छा है, तो सब चीजें जो है वो रास्ते खुल जाते हैं और लाइक माइंडेड लोग आपको मिल जाते हैं और आप वो सब चीजें कर सकते हैं, सिर्फ एक भावना की बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं यहाँ आती हूँ और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी आके देखती हूँ तो बहुत इम्प्रूव हुआ होता है, बहुत अच्छा हुआ होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और ये हर इनिशिएटिव, कोई भी कंपटीशन होता है, मैं देखती हूँ प्रताप स्कूल में ये इनिशिएटिव देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि नॉर्थ जोन CBSE का अंडर 17 और 19 अनुशासन बढ़ता, आप तब तक किसी चीज को हासिल नहीं कर सकते जब तक आप में अनुशासन ना हो। कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका वक्त है जब आप अपने आप को अनुशासित करें और अपना कोई ना कोई मॉडल जो है, कोई ना कोई अपना आपका होना चाहिए आदर्श जिसको आप फॉलो करें, ठीक है। जैसे बच्चे जिसको बॉक्सिंग में जाना है तो वो बॉक्सिंग के जो भी अच्छे खिलाड़ी हैं, लड़कियों के लिए मैरी कॉम है, अभी आपने देखा लोबलिना ने मेडल लिया,
तो ऐसे कुछ ना कुछ लोगों को उनके बारे में पढ़ते रहे, उनकी जीवनी पढ़ते रहे, कैसे वो लोग आगे गए। जो रेसलिंग में है वो रेसलिंग में बहुत सारे पहलवान हमारे सभी यहीं से हैं, तो उनके बारे में आप पढ़िए, वो कितना घंटा ट्रेनिंग करते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप में ऑटोमेटिकली वो सब चीजें अंदर आनी शुरू हो जाएगी और आपके हाथ वैसे चलने शुरू हो जाएंगे, आपका लाइफस्टाइल वैसा हो जाएगा। तो ये जरूर देखें कि जिस लाइन में आपको जाना है लक्ष्य निर्धारित करें। ऐसा मत करें कि हम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। नहीं, आपको अगर ओलंपिक्स में जाना है तो अभी से ही आपको अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि मुझे ओलंपिक्स में जाना है। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा मिलेगा, छोटा सोचेंगे तो छोटा ही रह जाएंगे। तो आप जितने भी बच्चे हैं मेरे सामने बैठे, मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगता बहुत देर तक कोई भाषण दे, पर मैं इतना जरूर आपको कहूंगी कि आप अभी से ही अपने आप को बांध लीजिए, संयम में रखिए, अनुशासन में रखिए। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। जहां तक प्रताप स्कूल की बात है, बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट के हाथ में आप हैं। यहां से बहुत बच्चे पढ़ाई में अच्छे निकले हैं, खेलों में बहुत अच्छे निकले हैं, और आप पूरी हम लोग पूरी उम्मीद लेके चले हैं कि इसी स्कूल से आने वाले ओलंपिक्स में, जो हमारा अभी 24 का तो आने वाला है, 28 में और 32 में पक्का यहां से ओलंपिक्स में बच्चे निकलेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू द मैनेजमेंट टू इनवाइट मी हियर एंड गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू मीट यू ऑल एंड सी द ब्यूटिफुल कल्चर प्रोग्राम हियर। थैंक यू वेरी मच। आप जहां तक देखते हैं स्पोर्ट्स में अब करियर बहुत ज्यादा है, बहुत करियर है। आप अभी से ही अपने आप को अच्छे से ट्रेनिंग करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।